यार भाई आज कल्चर डे और मैं पूरा दिन बाहर नहीं निकला, ठीक है। और अभी दोस्त की कॉल आई, उसने बोला भाई कल्चर डे की रैली निकलनी तो चलना है। मैं चलो भाई चलते हैं, इसी फालतू से बैठे तो अब कपड़े चेंज करने और बाल भी सेट करने, ऐसे थोड़े ना चलेंगे, तो सेट करके फिर मिलते हैं। तैयार तो हो गए यार, लेकिन दोस्त अभी तक नहीं आया, क्या कर सकते हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं उसका, फिर बस निकलते हैं घर से, फिर वही मिलते हैं क्या। तो भाई आ गए कल्चर डे में और जानी इनके साथ आया हूँ, और अभी फिलहाल यार वहाँ पर जब ये ख़त्म कर दिया था क्योंकि बड़ा शोर हो रहा था तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। अभी फिलहाल रैली में तो आ गए, अब बैठे हैं, आप इंतज़ार करते हैं, अब निकले तो हम भी निकलते हैं, मेरे शोर तो आ गए भैया। जो वहाँ फंड हुआ था वहाँ से हम आ गए, लेकिन वहाँ जो फंड हुआ था वो ये हुआ था कि भाई जान वो अभी होटल आए और वहीं से तो निकल गए, और अभी मंगवाए हैं हमने चाय और समोसे। अब जैसा भी होता है घर पे आ, घर पे आके बात करेंगे। जो अभी तो बात रैली से ख़त्म, सफा चट सिंधी यो। अंदर खोल दो, कोई भी नहीं, चलो बाद में आएंगे घर। तो भाई घर पे आओ, घर पे कोई भी नहीं मिला माशाल्लाह। अब दोस्त के घर पे रुकना पड़ेगा, दोस्त के घर पे जब घर पे आएंगे तभी स्टार्ट करते हैं फिर ब्लॉग। यो 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 बाबा बाबा बा। तो भाई फाइनली घर पे आ गए, घर वाले तो 10 बजे आ गए थे लेकिन मैं घर के अंदर 11 बजे आया, और अभी हो रहे 11:30। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रात का ब्लॉग क्यों था, क्योंकि मेरा जो भाई है सामा वो ऐसे इवेंटों में नहीं आता, ना कल्चर डे ना 14 अगस्त, ऐसे जो भी इवेंटों में नहीं आता वो। तो फिर दोस्त ने बोला भाई रैली निकलने चल रहे, मैंने कहा यार रात है चलो, मैंने सोचा मैंने ब्लॉग तो बनेगा चलते चलो, बस कुछ करना है। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट करना कि कैसा लगा और कहाँ कहाँ गया, सही है ना। और अभी 11:30 होने, नींद भी आ रही है और ब्लॉग भी एडिट करना, तो बस जब तक के लिए शाबाश है। ओके कंप्लीट।